ग्राम पंचायत भैंसा में विगत 3 महीने से सरपंच का पद खाली है। यहां सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत के सारे काम अवरुद्ध होने के कारण पंच सहित ग्रामवासी परेशान हैं। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले के ग्राम भैंसा पंचायत में सरपंच नहीं होने के कारण गांव के मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, सफाई, फिल्टर मशीन, रिपेयरिंग, निर्माण कार्यों के लंबित भुगतान, गौठान पेंशन की राशि तक संबंधित का भुगतान कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 महीने तक सरपंच का पद रिक्त होना संबंधित अधिकारियों के का ध्यान आकर्षित हो और इस कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों की जवाबदारी है। इस बात से परेशान होकर पंच, सरपंच और गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्टर को अवगत कराते हुए नियमानुसार पद पूर्ति के लिए कार्रवाई करने की बात कही। हमारे यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लगा रहे हैं और उमा सरपंच के पद खाली हवा है, रिक्त हवा है, तो अभी खाली कुछ काम धाम हुआ नहीं है पंचायत में, तो मतलब उप सरपंच ज़्यादा पद भार दे जाए, काहे नाली गंदगी है, गोठान के काम नहीं हुए हैं और ऐसे एंसन पेंशन के काम सब बहुत से। हमारे गांव में हो चुनाव और सरपंच है तो हट गए हैं, तो हमारे पंचायत 3 महीना हो गए खाली पड़े हैं, वहाँ कुछ काम नहीं होते, जनता काम नहीं होते, गांव गौठान के काम रुके हमार पूरा, अब सब परेशान है पूरा जनता है, तो यही मांग करे लाए हैं। हाँ, इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई के लिए SDM बेमित्रा को निर्देशित किया गया है।